हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में आप लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को कैसे सेट कर सकते हैं, और फ़ोन में लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को आप कैसे सेट कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स वगैरह को कैसे सेट कर पाएंगे अपने फ़ोन में और कैसे सेट कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव वॉलपेपर्स कैसे लगाएं और कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहा है जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, जिस पर जाकर आप अपने फ़ोन में लाइव वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली सेटिंग शो हो रही है जिसमें से वॉलपेपर सेटिंग्स पे आना है, जहाँ से वॉलपेपर सेटिंग्स भी आ जाएगी, यहाँ से फाइंड मोर पे जाकर देख सकते हैं कि माय अकाउंट्स पे चले जाना है, जिस पर जाकर लाइव गैलरी पे जाकर फोटोज एंड वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं एंड आप सेट कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि आपको जाना है वॉलपेपर्स पे, वॉलपेपर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर माय लाइव वॉलपेपर्स शो हो रहे हैं। कोई भी वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। सिंपली जैसे हम ये वाला लाइव वॉलपेपर स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको बस सेट बहुत कर देना है, जिससे लाइव वॉलपेपर्स आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा और कुछ इस तरीके से लाइव वॉलपेपर्स स्क्रीन पे शो करेगा जो आपकी स्क्रीन पे लग जाता है। तो इस तरीके से लाइव वॉलपेपर्स को आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो